तो गाइस कैसा लगा ग्राफिक्स मोड? अच्छा लगा ना? इंस्टॉल करना है तो भाई टेंशन लेने का क्या जरूरत है, फटाफट से पहले सब्सक्राइब ना। कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट है इस ग्राफिक मोड को इंस्टॉल करने के लिए, तो भाई मैं सीधे लफ्जों में बोलना चाहूंगा कि अगर आप पे GTA 5 रन करता है तो बिल्कुल आप इस ग्राफिक मोड को इंस्टॉल करने के लिए तैयार। विनोद भाई को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि इतना अच्छा मोड्स बनाने के लिए। भाई अगर तुमने अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुम मतलब दुनिया जी ही नहीं रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, जाके सब्सक्राइब करो मेरे भाई, वहां और भी मोड्स आपको मिलने वाले हैं, ऐसी अमेजिंग मोड्स। चलो के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये रिडक्स मोड को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? इसका लिंक मैं अपने वेबसाइट पे दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट उससे पहले आपको कुछ फोल्डर क्रिएट करने हैं, ठीक है? पहले आपको GTA 5 का गेम का डायरेक्टरी को ओपन करना है। अब नहीं पता है कि GTA 5 का गेम का डायरेक्टरी कहाँ है तो मैं बता दे रहा हूँ, मैं हूँ ना भाई। तो सिंपली आपके डेस्कटॉप पे आपको गेम का आइकन मिलेगा, राइट क्लिक करना, ओपन फाइल लोकेशन पे जाना एंड ये रहा हमारा गेम का डायरेक्टरी। यहाँ पर आपको मोड्स के फोल्डर को क्रिएट कर लेना है, तभी जाके इस रिडक्स मोड को आप इंस्टॉल करना। हम अपना रिडक्स मोड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ हमारे जो रिडक्स मोड है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब अपने को ओपन आईवी को ओपन करना है, आपको GTA 5 में आना है, विंडोज़ को सेलेक्ट करना है। नहीं पता कि ओपन आईवी कैसे इंस्टॉल करना है तो आई बटन में आपको अभी वीडियो दिख रहा होगा, उसको जाके चेकआउट कर लेना तो आप रेडी है ओपन आईवी इंस्टॉल करने के लिए। यहाँ पर हमारा ओपन आईवी ओपन हो चुका है सक्सेसफुली। सिंपली आपको ऊपर एडिट मोड पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको यस करना है एंड दोस्तों आपको टूल्स में आना है। टूल्स में आने के बाद आपको ASI मैनेजर पे आना है, तो यहाँ पर ये तीनों को आपको इंस्टॉल करना है। पर मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो मेरे को अभी कोई ज़रूरत नहीं है। मेक श्योर दोस्तों आप इसे इंस्टॉल कर ले, ठीक है? आपको अपना जो रिडक्स मोड है उस रिडक्स मोड के फोल्डर को ओपन करना है, ठीक है? तो यार सबसे पहले हम कुछ यहाँ पर सेटिंग्स करने वाले हैं, तो आपको इसे ओपन करना है। तो यहाँ माई प्रीसेट आपको दिख रहा है, सिंपली आपको इसे कॉपी करना है, गेम के मेन डायरेक्टरी पर जाना है आपको एंड यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है? रिप्लेस मांगेगा, रिप्लेस कर लेना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब हम रीसेट को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है? तो आपको रिक्वायरमेंट में जाना है, यहाँ हम रीसेट को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसे इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है एंड जब आप इसे इंस्टॉल करें तो आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो अपने PC या लैपटॉप से। डबल टैप करके ओपन करना है, यहाँ पर आपको क्लिक सेलेक्ट गेम मैनेजमेंट रीसेट इंस्टॉलेशन में क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ब्राउज पे क्लिक करना है एंड दोस्तों अब आपको अपने गेम के डायरेक्टरी पे जाना है और इस GTA 5 EXE को सेलेक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है एंड आपको ये डायरेक्ट X3D वाले सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सिंपली हम ओके पे क्लिक करते हैं एंड आपका ये कुछ डाउनलोड लेगा, देन आपको फिर से ओके करना है एंड बूम वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस मोड एंड शो FPS पे क्लिक कर लेना, हम ओके में क्लिक करते हैं एंड इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब क्या करना है, अपने को फिन जाना है टाइम साइकिल पे, ठीक है? ये आपको दोस्तों मोड्स के फोल्डर पे जाना है, यहाँ पर आपको अपडेट पे जाना है, इसे आप सिंपली अभी अपडेट पे जाना है। जैसे देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे इंस्टॉल करने का। यहाँ पर अब आपको अपडेट RPF पे जाना है, तो सिंपली हम अपडेट RPF पे चलते हैं, सिंपली हम इसे ओपन कर लेते हैं एंड आपको कॉमन में जाना है, यहाँ भी हम कॉमन में चलते हैं, डेटा एंड जितने भी यहाँ पर आपको डेटा का मटेरियल है सिंपली यहाँ पर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? सिंपली हम बैक चलते हैं, इसमें भी बैक चलते हैं। अब हम शेडर को इंस्टॉल कर लेते हैं, ओके 3240 फाइनल को इंस्टॉल करना है। सिंपली हम इसे ओपन करते हैं एंड ये रहा हमारा विंडोज 3240 फाइनल। सिंपली आपको इन सभी को कॉपी करना है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस दोस्तों आपको कॉपी और पेस्ट करना है। 1x64 पे जाएंगे, यहाँ आप चलते हैं 1x64 पे, यहाँ पर आपको टेक्सचर को ओपन करना है, यहाँ भी आप टेक्सचर को ओपन कर लेते हैं एंड जितना भी मटेरियल है सिंपली कॉपी करके यहाँ पर बस चेप दो, उठाना है एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है? इस हमारा जो रिडक्स मोड है वो अपने लो एंड PC में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है एंड यहाँ पर मैं बता दूँ कि एंड दोस्तों अगर आप पे GTA 5 चलता है तो आप बिल्कुल आप इस रिडक्स मोड को खेलने के लिए रेडी है। तो हम फटाफट से गेम को ओपन कर लेते हैं। सिंपली आपको गेम को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। पर आप जैसे देख सकते हैं यहाँ हमारा गेम ओपन हो चुका है। सिंपली आपके कीबोर्ड पे आपको होम के बटन को टैप करना है, तो ये आपका कुछ इस तरह से मेन्यू खोलेगा। सिंपली आपको ऊपर वाले को ये जो ऑप्शन देख रहे हो सिंपली अनचेक रहेगा, सिंपली आपको इन दोनों को चेक कर लेना। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप ग्राफिक्स सेट कर सकते हो, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कर लेना, बट ये दोनों आप ऊपर वाला ऑप्शन चेक कर लेना, ठीक है? आपको होम के बटन को फिर से टैप करना और ये हाइड हो जाएगा। देख सकते हैं यार ग्राफिक्स देखो यार,
मतलब कतई जहर है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा रेडक्स मोड है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है एंड अपने को कोई भी एरर देखने को नहीं मिला। एंड दोस्तों इस रेडक्स मोड का साइज अपलॉक्स 30 MB है, तो भाई GTA 5 चलता है तो ये रेडक्स मोड आप पे 100% चलने वाला है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई ऐसा डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू पीसी गेम्स क्यों नहीं अपलोड कर रहा है, तो भाई पीसी गेम्स के लिए आपको हमारे सेकंड चैनल पे जाना पड़ेगा आरएफ गेमरएक्स पे, तो वहां पर हम रेगुलर पीसी गेम्स अपलोड करते हैं, तो जाके उसे सब्सक्राइब कर लो। एंड लास्ट में मैं फिर बोलना चाहूँगा कि अभी तक आपने अभिनव मोटर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप इससे भी भयंकर भयंकर मोड्स मिस कर रहे हो, तो फटाफट से उनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करो जो यार उनके पास लो एंड पीसी है, वो रेडक्स मोड इंस्टॉल करना चाहते हैं। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।